हेलो बडीज, वेलकम टू माय फर्स्ट ट्रेवल व्लॉग टू गढ़वाल इन उत्तराखंड। अभी हम हैं नैनीताल में और ये सुंदर सा होटल था जहाँ रुक के हमने फ़ोटो क्लिक कराई और कुछ अच्छा सा खाया पिया। अब यहाँ के जंगलों से गुजरना जो था ना, वो अपने आप में एक बड़ा ही एडवेंचर था। अगर आप यहाँ थोड़ा और लेट करेंगे, रात में जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ के जो एनिमल्स हैं ना, उनका डिनर तो पक्का है। और अभी हम पहुँच चुके हैं गढ़वाल में। गढ़वाल की जो सड़कें हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न लेके बनी हुई हैं, बहुत ही हाइट पे है। रास्ता काफ़ी टफ था लेकिन एडवेंचर तो एडवेंचर है। पहुँचते पहुँचते हमें यहाँ हो गई थी शाम। सूर्यदेव टाटा बाय बाय करने की तैयारी में थे। अब हमें थी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने की। और ये रात का मंजर तो कुछ अलग ही खौफनाक था। एक घंटे हम इन सड़कों पे घूमे लेकिन फाइनली हमें कोई भी ऐसी स्ट्रे करने की जगह नहीं मिली, ना कोई शॉप मिली जहाँ हम पानी पी लें। हमारा पानी खाना सब खत्म हो चुका था। फिर हम रात में रुक गए थे बीरो खॉल, एक जगह थी वहाँ पे एक होटल लेके, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ हमें रुकने के लिए कुछ दिखा। और वहाँ का मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा था, है ना सुंदर। हमें पहुँचना था पोखरा, एक जगह है जहाँ पे है हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। मेरे हस्बैंड को वहाँ कुछ काम था। अब हमने चलना शुरू किया पोखरा की तरफ, क्योंकि पूरे 12 घंटे का रास्ता है लखनऊ से उत्तराखंड, यानी जो हमारी डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँचने के लिए। आधा सफ़र ख़त्म हो चुका था, आधा सफ़र आज पूरा करना था। अब यहाँ की जो सड़कें थी वो तो अलग ही लेवल की डेंजरस थी। यहाँ हमारी गाड़ी फंसी हुई थी एक बस के साथ, बट आई कैन से माय हस्बैंड हैज़ वेरी गुड ड्राइविंग स्किल्स। हमने बड़ी आसानी से यहाँ पर अपनी गाड़ी निकाली सेफली, बट इट वॉज़ डेफिनेटली वेरी रिस्की। अगर आप पहाड़ों पर ड्राइविंग करते हैं तो आपको बहुत ही सिंसियर होना चाहिए। और अगर आपको ड्राइविंग उतनी अच्छी नहीं आती तो आप प्लीज़ वहाँ किसी लोकल ड्राइवर को हायर करें जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा दे। रिस्क लेने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन ऊंचाई पे और इतने कटीले मोड़ पे आपके साथ साथ और भी कई जिंदगियाँ दांव पे लगी होती हैं। खैर, मैं अपने सफ़र को पूरा एंजॉय करते हुए जा रही थी। इतने मनमोहक दृश्य थे, वहाँ का व्यू इतना अमेजिंग था कि मन कर रहा था कि मैं सब कुछ ही अपने मोबाइल में कैप्चर कर लूँ, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। रास्ते पे मैं खूब सारे हिचकोले खाते हुए जा रही थी, लग टाइम पे किडनी बाहर आ जाएगी। लेकिन तारीफ़ की बात देखिए, इतने हिचकोले खाए, इतना उबड़ खबड़ रास्ता मिला, रिस्की रास्ता मिला, लेकिन मेरे हाथ से मेरा मोबाइल नहीं छूटा। टैंटड़ा, मुझे ऐसे ऊँचे और थोड़ा सा रिस्की रास्ते बहुत पसंद है। मैं सर्च करती हूँ ऐसी एडवेंचरस जगह जहाँ मैं जाऊँ। और अब हम पहुँच रहे थे पोखरा की तरफ, जो वहाँ से 26 किलोमीटर दूर था। यहाँ आके लग रहा था वाह, हम लोग कितनी ऊँचाई पर आ गए हैं। अब हमने पकड़ लिया था अपना राइट टर्न टू पोखरा, जो मैं सीधा अपने यूनिवर्सिटी पहुंचा। मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन जब सफ़र आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो मंजिल की उतनी ही दूरी काफ़ी लगती है। वही कुछ ऐसा यहाँ हमारे साथ भी हो रहा था। खैर, हम अपना सफ़र पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तभी हमें मिला वहाँ के लोकल बच्चियों का एक छोटा सा ग्रुप, जिन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी। उनको जाना था कोटद्वार, तो आगे उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ना था। वहाँ कंटिन्यू बसें नहीं आती, बस अपने टाइम पर। इन लोगों से बात करके इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी पंचायतें कर रही थी ये लोग। करते हम पहुंच गए थे यूनिवर्सिटी की तरफ। सामने दिख रही है हमारी यूनिवर्सिटी और वहाँ हमने थोड़ा चाय कॉफ़ी पी और हमें एक मिला प्यारा सा पप्पी। पप्पी के साथ फ़ोटो खिंचा के हम आगे यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़े। ये रही वो यूनिवर्सिटी, थोड़ा पहाड़ों के नीचे आके हमें अपनी यूनिवर्सिटी मिली थी। एक गाँव में बसी हुई थी और वहाँ के आसपास का जो व्यू था वो कुछ ऐसा था, इट वॉज़ अमेजिंग। एक बात है, अगर आपको कभी मौका मिले पहाड़ों में रह के पढ़ाई करने का, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से ज़्यादा आपको शांति पीस कहीं और मिलेगी। हमें जाना था अब अपने लिए रहने को एक ठिकाना ढूंढने, जो कि उस गांव में नहीं था। वहाँ के लोकल्स ने बताया कि वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक जगह है सतपुली, वहाँ पर आपको स्टे करने के लिए कुछ अच्छा मिल सकता है। तो अब हम बढ़ चुके थे सतपुली की तरफ और यहाँ का व्यू भी एज़ यूजल इट वॉज़ वेरी मिसमराइजिंग। सतपुली यहाँ से था 48 किलोमीटर दूर और थोड़ा ऊंचाई पर था, तो यहाँ का मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को लगाया काम पे और खिंचवाई खूब सारी फ़ोटो। फाइनली हम पहुँच गए थे सतपुली, अपना मिल गया था एक होटल जो वहाँ का इकलौता होटल रहने के लिए था। वहाँ का व्यू बैकयार्ड से कुछ ऐसा था, होटल पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ था। पहाड़ों पर तो वैसे हर चीज़ खूबसूरत होती है, आप कितनी भी तारीफ़ कर लें कमी है। होटल भी सुंदर था, मौसम भी अच्छा था। मैंने फ़ोटो खिंचाई, अगेन फ़ोटो और फोटो किस तक हो गई थी रात। अगले मॉर्निंग हमको निकलना था वापस यूनिवर्सिटी की तरफ और अब हम थे अपनी यूनिवर्सिटी में। माय हस्बैंड वाज लाइक अ सेंसियर स्टूडेंट देयर। यूनिवर्सिटी में काम खत्म होने के बाद हमने वहाँ पर किया लंच और उसके बाद हम वापस निकल चुके थे। पहाड़ों की गोद में बसी हुई है ये हिमालयन यूनिवर्सिटी और पहाड़ों में तो एक खूबी है कि आपको हर चीज़ या पे ऊपर मिलेगी या फिर नीचे मिलेगी, ना दाएँ कुछ ना बाएँ कुछ। तो हम लोगों की टांगें यहाँ पर जवाब दे चुकी थी भाई। थकते थकाते अब हम बढ़ रहे थे आगे अपना यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ। रजिस्ट्रार, डीन, वीसी वगैरह सबसे मिलके बात करके हम लोग आगे बढ़े अपने सफ़र की ओर।
शाम हो चुकी थी, अब हमको जाना था अपने नए डेस्टिनेशन पे। यहाँ हो चुकी थी हमें शाम और हमको आना था वापस अपने लखनऊ की तरफ, तो हमने सोचा अब हम चलते हैं लैंसडाउन, सुंदर जगह भी है और रुकने का जुगाड़ भी हो जाएगा। जरा मेरी लिपसिंग देख के बताइए मैं किस गाने पे रील बना रही हूँ। हमारे साथ साथ अब सूर्य देव भी अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी में थे। 4 बजे हम लोग यूनिवर्सिटी से चले थे और हमें मालूम था लैंसडाउन पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी, बट वहाँ पहुँचना सेफ रहेगा। अक्सर कुत्ते इंसानों को देख के उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड दो ऐसे अजूबे हैं इस दुनिया में जो कुत्तों को देख के उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं उनसे प्यार करने के लिए। जहाँ भी कुत्ता देखा नहीं कि गुल्लू गुल्लू करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस पप्पी को खिलाने के लिए अपनी गाड़ी रोक के उतरे थे, वैसे हमें लेट हो रहा था लेकिन इसको खिलाए बिना रहा नहीं गया। यहाँ पे हम उतरे, इसके साथ गुल्लू गुल्लू किया, पप्पी से प्यार करके अब हम निकल चुके थे अपने अगले सफ़र की ओर। और हमें हो रही थी धीरे धीरे शाम और हम पहुंच गए थे यहाँ पे लैंसडाउन। पता नहीं क्यों यहाँ आसपास घास को जलाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था जंगल में आग लग गई हो। लैंसडाउन बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं पहली बार गई थी, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने में आ गए। वैसे भी लैंसडाउन अंग्रेज़ों के ज़माने का बसा हुआ एक कस्बा है जो लैंसडाउन नाम के अंग्रेज़ के नाम पर बसाया गया था। लेकिन ये रास्ते और रुक के फिर ये मजेदार है। लैंसडाउन की खूबसूरती में खोए हुए हम दोनों लव बर्ड्स बढ़ रहे थे आगे की तरफ। अब हमें देखना था अपने रुकने के लिए अच्छा ठिकाना, जो कि ढूंढते ढूंढते हमें बस गए थे रात के 9। फाइनली हम एक जगह रुके, रात में कुछ कैप्चर नहीं किया लेकिन सुबह अच्छे खासे व्यूज़ देखे। ये ट्री हाउस था, वहाँ पे एक बस थी, उसमें एक रुकने का घर बनाया गया था और वहाँ आसपास का व्यू कैप्चर किया, बहुत सुंदर जगह थी। और हम वापस चल दिए थे अब लखनऊ की तरफ। पहाड़ों पर जाकर पहाड़ी गाना न सुने ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात सच है दोस्तों, अगर आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आपका घर वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ये फैक्ट है। हम भी बड़े भारी मन से वापस लौट रहे थे, मन करा था वहीं बस जाए। फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए और उनको छेड़ते हुए मस्ती मजाक करते हुए हम लोग वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ये पहाड़ों की आखिरी खूबसूरती हम लोग अपने आँखों में एकदम बसा लेना चाहते थे हमेशा के लिए, क्योंकि अब हम आने वाले थे वापस मैदानी भाग की ओर। यहाँ गर्मी और ढलान दोनों शुरू हो गए थे, हम चाहते हैं पहाड़ों की ये खूबसूरती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। इसी दुआ के साथ हमने पहाड़ों से विदा ली। आपको ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा, मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, थोड़ी गलतियाँ होंगी उनको इग्नोर करना, बाकी आपके अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाय बाय।